हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो एज एक्सपेक्टेड हमने निफ्टी में एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा और जो 16,900 का टारगेट था वो फिर से अचीव कर लिया है निफ्टी ने। यह अभी देखना होगा कि 16,900 का लेवल होल्ड करता है नहीं। अगर उसके नीचे जाते तो 16,600 ये आपको देखने को मिलेगा, जो हमारा फाइनल टारगेट था निफ्टी के लिए। यहाँ हमने आज जो है इस वीक की शुरुआत की है लगभग 1.3% डाउन, लगभग 220 पॉइंट के लॉस के साथ। यहाँ हमने आज लो देखा था 16,875, तो 16,900 का टारगेट बाउंस टारगेट अचीव करने के बाद वहाँ से बाउंस बैक दिया है। और यहाँ जो है तो हो सकता है कि हम जो है तो ऊपर की तरफ बाउंस बैक देख सकते हैं मार्केट में। वीकली चार्ट पे क्लियरली जो है तो आप देख रहे हो कि करेक्टिव पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है और इसका जो टारगेट आता है वो 16,600 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा, 16,600-16,650। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ जो है तो यह 50 डेज का जो एवरेज है उसको टेस्ट करने के बाद हमने जो है तो वहाँ से एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा और हमने फिर से 200 डेज एवरेज जो है तो उसको टेस्ट किया है। अभी यह देखना होगा कि हम 200 डेज एवरेज तोड़ते हैं कि नहीं। अगर वो टूटता है तो हमें 16,600 और उसके नीचे भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। मगर ये मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए मैं 16,600 के ही टारगेट लेकर चलूँगा, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ से एक फिर से एक ट्रैप मूव आएगी या फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी, जिसमें जो है तो वो जो भी शॉर्ट ट्रेडर है उनको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए मेरा जो कंजर्वेटिव टारगेट रहेगा वो 16,600 ही रहेगा। सिर्फ यहाँ देखना है कि आपको निफ्टी 16,875 के नीचे जाता है तो ही आपको शॉर्ट लेना है और आपका टारगेट रहेगा 16,600 से लेकर 16,550 के अराउंड। ये जोन में मुझे लगता है कि निफ्टी एक बार टेस्ट कर सकता है, वहाँ से बाउंस बैक भी दिखा सकता है। और आपको शॉर्ट करना है, जिन्हें कॉन्जर्वेटिव शॉर्ट करना है उन्हें वेट करना है 16,875 का लेवल टूटने का। अगर वो लेवल टूटता है तो हम जो है तो डायरेक्टली जाएंगे 16,600-16,550 की तरफ। आवरली चार्ट पे आप अगर आप देखोगे तो यहाँ हमने गैप डाउन ओपनिंग देखी और यहाँ अभी S1 के अराउंड जो है तो सपोर्ट ले रहे हैं और ये CPR के अराउंड भी सपोर्ट ले रहे हैं। आप देखोगे कि इसका S3 और जो लेवल है CPR का वो दोनों मैच करता है, तो मुझे लगता है कि हम इस हफ्ते जो है तो 16,600-16,550 की तरफ जाएंगे फ्राइडे तक। और यहाँ जो है तो अगर बाउंस बैक आया तो आपको जो है तो फिर से बिकवाली की सलाह रहेगी। जो आपको बिकवाली करनी है निफ्टी में वो है लगभग 17,200-17,300 के बीच में, तो इसलिए इसके बीच में जो है तो आपको फ्रेश शॉर्ट क्रिएट करने हैं। यहाँ बाउंस बैक भी आ सकता है, ये जो गैप है इस गैप फिल करने के लिए यहाँ शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकती है मार्केट में। अगर इन लेवल पे आपको निफ्टी मिलता है तो आपको जो है तो शॉर्ट जाना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 350 के ऊपर, तो 17,200-300 के अराउंड जो है तो आपको शॉर्ट करना है 350 के ऊपर स्टॉप लॉस। और जो आपका स्विंग टारगेट रहेगा वो रहेगा 16,600 का। अगर यहाँ जो है तो ये कंटिन्यू होता है तो आपको जैसे ही ब्रेकडाउन दिखने को मिलेगा, जैसे मैंने कहा 16,875 के नीचे आपको मोमेंटम बिल्डअप होते दिखेगा शॉर्ट साइड, और आपको जो है तो शार्पली 16,600-16,550 के टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ दोनों तरफ मोस्टली शॉर्ट के तरफ ही ट्रेड बनेंगे। सिर्फ आपको यहाँ देखना है कि बाउंस बैक आता है तो 300 के अराउंड बेचना है, अगर बाउंस बैक नहीं आता है और ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन पे बेचना है आपको 875 के नीचे जाते ही विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और आपके टारगेट सेम रहेंगे 16,600-16,550। यहाँ ऑप्शन ट्रेडर जो है तो वो अगर बाउंस बैक आता है तो 17,300 का पुट ऑप्शन उस पर फोकस कीजिए, अगर यहाँ ब्रेकडाउन होता है तो आपको 16,900 का इन द मनी पुट ऑप्शन पे फोकस करना है, या फिर जो है तो आप मंथली का 16,600 का जो पुट ऑप्शन है उस पर भी फोकस कर सकते हो। मई सीरीज का मंथली एक्सपायरी का जो ऑप्शन है पुट ऑप्शन उस पर भी हम फोकस कर सकते हैं। उस पर मेरी सलाह रहेगी बाय ऑन डिप। अगर निफ्टी जो है तो 300 के अराउंड आता है तो मैं वहाँ जो है तो अच्छे खासी लेवल बनाना पसंद करूँगा, या फिर मैं जो है तो ऐट द मनी जो पुट ऑप्शन होगा उस टाइम उस पर भी हम लॉन्ग जा सकते हैं या फिर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से लगभग निफ्टी जो है तो आपको 650 पॉइंट गिरते हुए दिखेगा, तो आपको वो ऑप्शन इन द मनी हो जाएगा और उसकी वजह से आपको जो है तो फ्यूचर के जैसे प्रॉफिट हो सकते हैं। उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा मगर आपको जो गेंस मिलेंगे वो 2x-3x गेंस भी मिल सकते हैं 17,200 के या फिर 300 के एट द मनी पुट ऑप्शन में जो मंथली एक्सपायरी का रहेगा, तो उस पर ही फोकस रहेगा। मोस्टली हमारे ट्रेड शॉर्ट साइड ही रहेंगे, मगर हमें यहाँ जो है तो लगता है कि मुझे लगता है कि यहाँ एक बार फिर से जो है
तो मार्केट बाउंस बैक देख के जो लॉन्ग शॉर्ट्स है उनको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, और ट्रैप शॉर्ट होने के बाद आपको जो है तो फिर से आपको लॉन्ग ट्रैप होते हुए दिखेंगे 200-300 के अराउंड, और फिर से आपको जो है तो नया लो आते हुए दिखेगा 16,600-550 के अराउंड। तो करंटली मुझे मोस्ट प्रोबेबली हम बाउंस बैक देखेंगे 17,250-300 के अराउंड। अगर वो आता है तो हम जो है तो मोस्टली शॉर्ट जाना पसंद करेंगे विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर यहाँ फ्लैट खुलता है मार्केट तो मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए ब्रेकडाउन का, या फिर अगर वो ब्रेकडाउन नहीं आता है तो आपको बिल्कुल रिकवरी मिलेगी, और मोस्ट प्रोबेबली रिकवरी मिलेगी क्योंकि जिस तरह से ये प्राइस पैटर्न है आवर्टली चार्ट पे, मुझे लगता है कि हम जो है तो 17,250-300 के लेवल जो है तो कल देख सकते हैं, उसको टेस्ट करने के बाद फिर से जो है तो वीक वाली कंटिन्यू होगी। तो आई होप सो जिन्होंने शॉर्ट लिए होंगे फ्राइडे के दिन या फिर पुट ऑप्शन लेकर गए होंगे उन्हें तो बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिला होगा आज, एंड कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉर्ट कॉल चाहिए इंडेक्स ऑप्शन फ्यूचर में तो आप मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।